सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है आज के WTF यानी कि मेरे वंडरफुल टेलीविजन फ्रेंड्स, इनके लिए जोरदार तालियां। और इन दोनों की हाथापाई विद कुकिंग देखने के लिए वेलकम टू किचन चैंपियन इन मस्ती का तड़का स्पेशल वीक। और आज तो आप सबकी चांदी है क्योंकि बंगालियों को पोइला बोईशाख की बधाई देते हुए आज हम यहाँ बैसाखी मनाएंगे बुर्रा। और आज ही से शुरू होगा एक स्पेशल सप्ताह, द मस्ती का तड़का सप्ताह। हमारे तीनों बच्चे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। परी, तुम सच में परी जैसी लग रही हो इंडियन में। और मैं? तुम वही भालू के भालू ही लग रहे हैं। और इस स्पेशल माहौल को महा स्पेशल करने आ रहे हैं जय के मित्र मुन्ना सिंह 208 फोटोग्राफर, जोरदार तालियां। और इन दोनों को मुंह की खिलाने के लिए माही आई हैं उनके जन्म दायिनी मिसेज सुषमा विज। आंटी, आपको पता है आपकी बेटी को क्या क्या बोल रहा था? सुना है मैंने। कैसा दामाद आपने ले रख लिया? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। क्या बात है, मेरी दो बेटियां, मुझे बेटा मिल गया। अच्छा मुन्ना, आप बताइए, ये बतौर दोस्त बहुत अच्छे हैं या एज अ हस्बैंड? फ्रेंड बहुत अच्छा है ये, और एज अ हस्बैंड उससे भी ज्यादा अच्छा। इसकी फटी पड़ी है क्योंकि लाइफ में हमेशा कैमरे के पीछे रहा है। ये बहुत अच्छे फोटोग्राफर है। मेरा लाइफ का पहला पोर्टफोलियो, और मेरा भी लाइफ का पहला पोर्टफोलियो अगर किसी इंसान ने किया तो वो ये है, मुन्ना सिंह। चलिए बातें होती रहेंगी, आगे बढ़ते हैं हमारे पहले राउंड पे, नाश्ता का वास्ता। नाश्ता का वास्ता और आखिरी कड़ाई मिलाकर ही तय होगा कि कौन बनेगा किचन चैंपियन और पहनेगा वो 11 करोड़ का ताज। आज आप क्या बनाने वाले हैं नाश्ते में माही? हम लोग बनाने वाले हैं चटपटा चावल पकोड़ा विद इमली चटनी। इमली की चटनी, ये सब घर पे क्यों नहीं बनाती? आप दोनों क्या बनाने वाले हैं? पालक चीज पटाका। पालक चीज पटाका, मैं सबसे पहले माही से पूछूंगा। माही, इसमें क्या क्या सामग्री डलती है पहले बताइए हमें, कैसे शुरुआत करेंगे बताइए। हम लोग सब चीजें मिक्स करेंगे पहले। वाओ, क्या आंसर दिया, कैसे बनाएंगे, सब मिक्स करेंगे। ये ऐसे बाहर आके बहुत फैल रहे हैं क्योंकि पता है कि थोड़ी बहुत इज्जत दे दोगी तुम। पहले राइस डालो, प्याज, प्याज डालें। हाँ, प्याज डालें इसमें, चावल, प्याज, कैप्सिकम, अनार, और मैंने अभी नमक डाला है। ओके, और क्या करना है? चाट मसाला डालूंगी। वैसे माही, आप पंजाबी, ये गुजराती, तो आपके शादी में तो बहुत इंटरेस्टिंग सी डिशेस बनी होंगी ना, जैसे ढोकला टिक्का मसाला, फाफड़ा बटूरा। ये है पंजाबी पूरा, मतलब यू नो हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन, और मैं हूँ यू नो गुजराती कच्ची, सब वेजिटेरियन। सबसे बड़ा लफड़ा यही था कि यू नो फंक्शन में वेज रखेंगे कि नॉन वेज रखेंगे। हम लड़के वाले हैं करके वेज खाना रख दिया था। पंडित बुला रहा है मंत्र के लिए, हाँ, और इनके यहाँ पे जब तक ये नहीं चढ़ती तब तक आगे बढ़ती नहीं है बात। पंडित पूछ रहा है लड़की के माता पिता किधर है, लड़की के यू नो भाई किधर है, तो सब ऐसे आंटी आप ऐसे गई थी शादी में? नहीं नहीं, मैं तो ड्रिंक नहीं करती। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मैं तो प्यार शार होकर तुमको मिलने गई थी। तू तू कसम खा, हमने शादी में झूठे भाई नहीं लगाए थे वहाँ पे? झूठे भाई? तेरी कसम, झूठे भाई? भाई नहीं लगाए थे। क्या क्या डाला माही आपने इसमें, इस बैटर में? मैंने राइस,
राइस का आटा, कैप्सिकम, अनारदाना, अनारदाना का मसाला, चाट मसाला, नमक, आलू और इमली की चटनी भी डाली थी आपने? हाँ, डाली है, देखो। हाँ, इमली की चटनी भी डाली। और फिर लास्ट में हम लोगों ने टिक्की बना के इसमें मोजरेला चीज डाल के उसको बंद करके ओके और ब्रेड क्रम्ब से कवर। अब तो चावल बच जाते हैं, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, तो क्या करें जल्दी जल्दी, फिर वो चावल के अंदर सब कुछ मिला के तो वेस्ट नहीं करना। रात आंटी कह रही है रात के चावल अगर कभी बच गए तो उनको वेस्ट नहीं जाने दे, ये सुबह आप ऐसे बना बच्चों कर, को बना के दे सकते दे सकते हैं। हाँ। और ये फ्राई करने के लिए तैयार, रेडी। चलो ये तेल गरम होगा, जब फ्राई होगा तब तक मैं जय और मुन्ना के पास चलता हूँ। सबसे पहले बताओ यार इसमें सामग्री क्या क्या डलती है। पहले देखिए चीज डाल दिए इन्होंने, पालक डालना। पालक को क्या आपने उबाल के रखा हुआ? हाँ, पालक को उबाल के रखा है थोड़ा सा। बिल्कुल okay. और मैं आपको बता दूं, पालक मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि इसके बहुत सारे खासियत है, इसमें आयरन है, कैल्शियम है, बहुत सारे फाइबर्स है। और तू क्यों नहीं खाता पालक की सब्जी? बनाना बेटा। नमक डालेंगे थोड़ा। क्या करना है अभी? अभी हम इसमें फिलिंग करेंगे। तेल डालना है। तेल गरम हो गया, हम लोग इसको डीप फ्राई करेंगे, डालेंगे हम लोग इसे। वाओ ब्यूटीफुल यार, ये फ्राई होना शुरू हो गया है। पिछले सावन से भूखे इन बच्चों को नाश्ता सजा कर दे दे। बिल्कुल, प्लीज सजाइए। जलपरी माही को अपने हुस्न से जलाने के लिए इतराती हुई आइए। बस आखिरी में पप्पी लेनी बची हुई थी बस। आ जाओ जय, आगे आ जाओ अपना खाना लेके। आइए माई,